Hello everyone, welcome to our new series of NCERT. Today we will start our first chapter of geography, that is Earth in the solar system. Starting with the solar system, let's first understand how this name solar system came into existence. Now solar, the word solar is derived from soul, and the soul in Roman means sun god. So as a result, all the words that forms from soul like solar denotes those related to sun only. So solar system means sun and its family completely forms one system, and that is the solar system. So in this chapter, we will study the solar system, major elements of solar system, and Earth in particular. So before we start with all these, let's understand a little bit about the galaxy. तो अब हम गैलेक्सी को इस तरीके से समझते हैं स्टूडेंट्स, आप एक ब्लैंक पेपर पे एक बहुत बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करो एंड राइट डाउन दैट लेबल दैट सर्कल एज यूनिवर्स. अब आपने ये मान लेना है, इमेजिन करना है कि दैट दिस सर्कल इज़ अ यूनिवर्स एंड विद इन दैट सर्कल ड्रॉ एज मैनी एज सर्कल्स यू कैन एंड इमेजिन दैट दी स्मॉल सर्कल्स विद इन अ बिग सर्कल आर न्यूमरस गैलेक्सीज. अब बड़े सर्कल को तो हमने यूनिवर्स इमेजिन किया आपने, और जो उसके अंदर छोटे सर्कल्स हैं आप उनको गैलेक्सीज इमेजिन करते हो. सो सच गैलेक्सी, वन ऑफ सच गैलेक्सी इज मिल्की वे और आकाश गंगा इन विच वी लिव. अब आपने काफ़ी सारे जो छोटे सर्कल हैं ये सब गैलेक्सीज हैं. ऐसे ही एक इन सर्कल्स में से, इन गैलेक्सीज में से एक सर्कल यानी कि एक गैलेक्सी वो है जिसमें हम रहते हैं. एंड द सोलर सिस्टम लाइज विद इन दैट गैलेक्सी, मतलब हर छोटे सर्कल के अंदर उसका अपना एक सोलर सिस्टम है. तो अब जिस सर्कल को आप मिल्की वे मानते हो तो उसके अंदर भी उसका अपना एक सोलर सिस्टम है. तो सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ अ गैलेक्सी एंड गैलेक्सी इज़ द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस कंसेप्ट ऑफ गैलेक्सी. Now when I talk about galaxy, I can say that it is a system which includes stars, interstellar elements and the dark matter as well. So the Milky Way, as I said, is one such galaxy which contains the solar system, and you have the Hubble classification which is used to identify various types of galaxies. अब हमें इतनी सारी galaxies को जब पहचान करनी होती है, identify करना होता है और उनको फिर further classify करना होता है, तो हमारे पास एक system है, system of classification है जिसे हम कहते हैं, जिसको हम एक term के through जानते हैं, that is Hubble classification system. तो अभी हमने क्या सीखा, दैट विद इन द यूनिवर्स वी हैव बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज एंड वन सच गैलेक्सी इज मिल्की वे एंड द सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ मिल्की वे और आकाश गंगा. सो इन दिस वे सोलर सिस्टम इज द एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स. अभी आपके सामने स्क्रीन पे जो इमेज है उसमें मैंने आपके लिए मिल्की वे का थोड़ा सा स्ट्रक्चर शो किया है, उसकी इमेज शो की है, ताकि आपको ये पता चल सके कि मिल्की वे अगर यूनिवर्स में हमारी एक गैलेक्सी है तो उसकी शेप क्या है, एंड दैट शेप इज स्पायरल. नाउ देयर आर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट आर गैलेक्सी दैट इज मिल्की वे. नाउ द अमाउंट ऑफ स्टार्स, अगर कोई बात करता है कि मिल्की वे में कितने स्टार्स हैं, कितने तारे हैं, तो उसका वो तो हम कहते हैं कि काउंटलेस स्टार्स हैं, बट एज पर आर स्पेस सिस्टम जहाँ पे हमारी आकाश गंगा की पूरा डाटा रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग अबाउट 200 बिलियन स्टार्स हैं अप्रॉक्सीमेटली, और अभी भी स्टिल मोर टू काउंट. देन हमारी मिल्की बार की एग्जैक्ट विड्थ कितनी है, तो एग्जैक्ट विड्थ तो नहीं काउंट कर पाते हैं हम लोग, उसको मेजर नहीं कर पाते हैं, बट अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ अबाउट 100,000 लाइट ईयर्स के बराबर.
इतनी चौड़ी मिल्की वे है हमारी। देन हमारी गैलेक्सी में जो 90% पार्ट है, इट इज़ मेड अप ऑफ अननोन मटेरियल विच इज़ इनविजिबल टू द नेकेड आईज। फाइन, हम अपनी आँखों से जो मटेरियल देख सकते हैं, डार्क मैटर, अननोन मटेरियल, वो अलग चीज़ है, और जो हम नहीं देख सकते हैं वो एक अलग चीज़ है। तो केवल हम अपनी धरती पे प्रेजेंट मटेरियल जो है 10% मटेरियल को ही देख सकते हैं, बाकी जो 90% इस गैलेक्सी में मटेरियल प्रेजेंट है, दैट इज़ अननोन मटेरियल, वो हमें अपनी नेकेड आईज से देख ही नहीं सकते। देन इफ़ यू टॉक अबाउट द एज ऑफ द मिल्की वे, देन इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 13.6 बिलियन ईयर्स। अब आप देखो, हमारे यूनिवर्स की जो एज मानी जाती है वो है अबाउट 13.9 बिलियन ईयर्स। तो ये हमारी धरती भी लगभग यूनिवर्स जितनी ही जो है बूढ़ी हो चुकी है। मतलब हमारा जो यूनिवर्स जब बॉर्न था तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली उतनी ही एज बैठती है हमारे मिल्की वे की। नाउ हमने ये तो देख लिया, अगर मैंने आपको कहा भी सर्कल ड्रॉ करो और एक बड़ा यूनिवर्स और उसके बीच में काफ़ी गैलेक्सीज हैं, जितनी एज मेनी एज सर्कल्स यू कैन ड्रॉ, तो वो क्या हैं, गैलेक्सीज। अब ये गैलेक्सीज यूनिवर्स में ऐसे ही नहीं फैली हुई हैं कि कोई गैलेक्सी कहीं गिरी पड़ी, कोई गैलेक्सी कहीं गिरी पड़ी है। नो, इसका हर गैलेक्सी अपने आप में एक वेल अरेंज पैटर्न में है, और इन गैलेक्सीज़ का पैटर्न हमारे यूनिवर्स में भी एक स्पेसिफिक पैटर्न देखने को मिलता है। मतलब यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज़ का एक स्पेसिफिक पैटर्न है जिसे हम कॉस्मिक वेब के नाम से जानते हैं। अब हमारा जो यूनिवर्स है उसमें अगर गैलेक्सीज़ पैटर्न में यूज़ हैं तो पैटर्न में अरेंज्ड हैं, तो फर्दर जो हमारी गैलेक्सी के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं लाइक आर सोलर सिस्टम और इंटरस्टेलर सिस्टम, वो भी एक स्पेसिफिक पैटर्न में ही मिलेगा ना। तो दिस इज़ द फैक्ट। अब कॉस्मिक वेब एक नाम दिया गया है इस जो गैलेक्सीज़ का पैटर्न है हमारे यूनिवर्स में, उसको हम कहते हैं कॉस्मिक वेब। अब अगर हम देखें तो कॉस्मिक वेब कुछ इस तरीके से दिखाई देता है जैसी इमेज मैंने आपके सामने स्क्रीन पे शो की है। फाइन। अच्छा बच्चों, कभी आपने ये सोचा है कि गैलेक्सी में अगर इतनी सारी चीज़ें हैं, हमारे यूनिवर्स में गैलेक्सी है और गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम और जिस गैलेक्सी पे हम रहते हैं, अभी हमने उसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी पढ़े, क्या आपके दिमाग में ऐसा कुछ कभी आता है कि ऐसा क्यों नहीं होता कि सूरज ऊपर स्काई में ही क्यों है, वो नीचे क्यों नहीं आ जाता? या अभी हमारी इच्छा हो रही है ऊपर से 10 तारे स्काई में से 10 तारे हमें चाहिए तो हम कैच कर लें, नीचे आ जाएँ, ऐसा है? या कभी ऐसा हो कि मून वहाँ अच्छा नहीं लग रहा, हम अपनी घर की छत पे ले आते हैं, या आ जाए नीचे तो फिर हम उठा के उसको कहीं और रख लें, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि अगर हम सोचेंगे तो भी ये पॉसिबल नहीं। पर ऐसा क्यों नहीं होता कि ऊपर से नीचे क्यों नहीं आते? ये इसी वजह से नहीं आते, इसका रीज़न है। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ गैलेक्सी हैज़ अ ग्रेविटेशनल बाउंड सिस्टम, उसमें अपनी चुंबकीय शक्ति है, अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, अपना ग्रेविटेशनल पुल है, जिसके जो कि एज अ सोर्स काम करता है सभी सेलेस्टियल बॉडीज़ को बाइंड करके रखने के लिए, यानी कि जितने भी हमारे जो हैं स्टार्स हैं, सन, मून, अदर प्लैनेट्स जो हमारी गैलेक्सी में मौजूद हैं, या ऐसी चीज़ें गैस, डस्ट, एस्टेरॉयड, मीटेरियड्स जो हम पढ़ते हैं, वो सब आसमान से नीचे इसीलिए नहीं आते बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल बाउंड सिस्टम विच इज़ प्रेजेंट इन आर गैलेक्सी। सो एक बहुत अच्छा गैलेक्सी जो है वो कंफर्म की गई है, गैलेक्सी सिस्टम, ऑन मार्च 2016, और उसका नाम है GNZ 11, एंड इट वाज डिस्कवर्ड एंड कंफर्म्ड ऑन मार्च 2016। अब जैसे हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, आकाशगंगा, वैसे ही एक और गैलेक्सी
जिसका कि कंफर्मेशन हो चुका है कि हाँ ये गैलेक्सी है, एग्जिस्ट करती है, तो वो कब हुआ है, जिसका नाम दिया गया है ZN GN Z11, वो डिस्कवरी उसकी और कंफर्मेशन उसकी मार्च 2016 में हुई है। नाउ अभी मैंने आपको ये भी बताया था कि हबल्स क्लासिफिकेशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपनी गैलेक्सीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। अब हबल क्लासिफिकेशन में आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैलेक्सी, जो टाइप ऑफ गैलेक्सीज जो हम आइडेंटिफाई करते हैं, वो हमारे तीन ब्रॉड कैटेगरीज में डिफाइन होती हैं। फर्स्ट इज एलिप्टिकल गैलेक्सीज, सेकेंड इज द स्पायरल गैलेक्सीज, फिर स्पायरल गैलेक्सी सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सब मेजर सब डिविजन्स। फर्स्ट वन इज़ द बार्ड गैलेक्सी, यानी कि बार्ड स्पायरल गैलेक्सीज, एंड उसमें हमारे आ जाती है मिल्की वे और एंड्रोमेडा। और सेकेंड इसी में एक और सब डिविजन है, दैट इज़ अनबार्ड स्पायरल गैलेक्सी, एंड द एग्जाम्पल इज़ सोम्बेरेरो। एंड द थर्ड ब्रॉड कैटेगरी इज़ लेंटिकुलर गैलेक्सी। अब तीन जितनी भी गैलेक्सीज हैं उनको हमने तीन डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम लोग। तो जस्ट रिकॉल दैट कि फर्स्ट वाली कौन सी है, एलिप्टिकल गैलेक्सी, सेकेंड मैंने आपको बताई स्पायरल गैलेक्सी, थर्ड मैंने आपको बताया लेंटिकुलर गैलेक्सी। अब मैंने स्पायरल गैलेक्सी में मिल्की वे एज अ बार्ड स्पायरल गैलेक्सी दिखाया, इसकी जो इमेज है वो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाई है। एंड्रोमेडा इज ऑल्सो अ बार्ड स्पायरल गैलेक्सी, एंड इट इज़ बिलीव दैट कि नियर अबाउट 3 to 4 billion ईयर्स के अंदर एक ऐसा समय आएगा जब ये एंड्रोमेडा नाम की गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी यानी कि आकाश गंगा मिल्की वे से आकर टकराएगी। तो ये काफ़ी स्पीड से हमारी गैलेक्सी की तरफ आ रही है और अभी भी इसको आने में इतना समय लग जाएगा, अबाउट 4 billion ईयर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेलेस्टियल बॉडीज। अब ये सेलेस्टियल बॉडीज है क्या चीज? बेटा सेलेस्टियल बॉडीज वो सब चमकती हुई चीज़ों को नाम दिया गया है जो कि स्काई में, जब हम धरती से स्काई में देखते हैं, आसमान में देखते हैं, तो जितनी भी चमकती हुई चीज़ें दिखाई देती हैं उन सबको सेलेस्टियल बॉडीज़ कहा जाता है। अब वो सन भी है उसमें इंक्लूडेड, उसमें स्टार भी हैं, उसमें मून भी हैं, और उसमें डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ स्टार जिसको हम कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं वो भी है, एवरीथिंग, शूटिंग स्टार्स भी उसी में आ जाते हैं। तो ये सब क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज। अब सेलेस्टियल बॉडीज़ का एक और नाम भी होता है हेवनली बॉडीज, है ना। हेवनली माने स्वर्ग वाली, स्वर्ग की चीज़ें। तो क्यों स्वर्ग की ये सेलेस्टियल बॉडीज हेवनली बॉडीज़ क्यों हैं, क्यों मानी जाती हैं? क्योंकि पहले क्या था कि इंसान हमेशा, जब भी मैंने जैसे आपको आकाश गंगा की कहानी बताई कि इसका नाम आकाश गंगा क्यों है, तो पहले लोग ये बिलीव करते थे, है ना, कि ऊपर भी एक नदी बहती है जिसमें चमकीली चीज़ें हैं। अब वैसे ही लोग जब धरती पे धरती से आकाश की तरफ देखा करते थे तो वे अपने मेन उसका मोटो सोचते थे कि हम धरती पे क्यों हैं और हमारा यहाँ होने का क्या पर्पस क्या है और ये चीज़ें चमक क्यों रही हैं। तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ सुप्रीम पावर है जो हम दोनों को कनेक्ट किए हुए है, तो वो क्या है, भगवान। और भगवान कहाँ रहते हैं, ऊपर। तो ये हेवनली बॉडीज़ बन गई, मतलब स्वर्ग का है, भगवान का है, ऊपर। तो वो सब क्या है, हेवनली बॉडीज़। और फिर हमने इन्हीं हेवनली बॉडीज़ को नाम दिया सेलेस्टियल बॉडीज़। ठीक है, जब साइंस का एग्जिस्टेंस जो हमारे नॉर्मल विचार जो होते हैं ना, हमारे ट्रेडिशंस और कल्चर, इन सब में जब हमारा साइंस इंटरफेयर करता है तो वो मिथ्स को नहीं मानता, तो वो अपनी एक साइंटिफिक टर्म यूज़ करता है ताकि उसको वो जस्टिफाई कर सके। तो हेवनली बॉडीज़ को क्या नाम दे दिया गया, सेलेस्टियल बॉडीज़। अब सेलेस्टियल बॉडीज़ का मतलब क्या है, जो मून सन या और कोई ऐसी चीज़ जो आसमान में हमें चमकती हुई दिखाई देती है रात के समय, वो सब की सब सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। सो द सन द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। अब सेलेस्टियल बॉडीज़ भी फर्दर दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड
हैं, इनकी भी दो सब डिविजन्स हैं। एक वो सेलेस्टियल बॉडीज़ जिनकी खुद की लाइट है, और एक वो सेलेस्टियल बॉडीज़, कुछ वो सेलेस्टियल बॉडीज़ जिनकी अपनी कोई लाइट नहीं है। नाउ इन सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में और सेलेस्टियल बॉडीज़ की मूवमेंट के बारे में जो लोग स्टडी करते हैं उनको हम एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। Those who study the celestial bodies and their movements are called astronomers. अब पहले क्या था, जब हमारे पास साइंस इतनी अच्छी एडवांस नहीं थी, पुराने ज़माने में जो हमारे सबसे पहले एस्ट्रोनॉमर थे उनका नाम था आर्यभट्ट। मूविंग टू द फर्स्ट डिवीजन ऑफ सेलेस्टियल बॉडी, दैट इज some celestial bodies are very big and hot and they have their own heat and light. अब जिन celestial bodies की खुद की heat और खुद की light है उन्हें हम stars कहते हैं, और ये काफ़ी big होते हैं, काफ़ी hot होते हैं, क्योंकि इनके अंदर खुद light कहाँ से है, उसमें कोई bulb थोड़ा ना लगा है। Actually ये जो stars हैं ये gases के बने हुए गोले हैं, और बहुत बड़े बड़े गोले हैं, और इनमें जो गैसेस के केमिकल रिएक्शंस जो अंदर होते हैं उस रिएक्शन का रिज़ल्ट है कि ये अपनी हीट और अपनी लाइट इमिट करते हैं। जो हमें रोशनी दिखती है और जो गर्मी महसूस होती है वो इन स्टार्स की क्यों है, बिकॉज ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन विच इज़ गोइंग ऑन इनसाइड द स्टार, एंड स्टार इज़ अ बॉल ऑफ गैस। तो अब वो गैसेस कौन सी हैं, these gases are hydrogen and helium, and stars shine by burning hydrogen into helium in their cores. अब आपको समझ आ गया होगा कि स्टार जितने भी स्टार्स हैं वो बड़े बड़े गैस के बैलून्स हैं एक तरीके से, ठीक है, गोले हैं, और इन ये गैसेस जो हैं इन स्टार्स के अंदर बेसिकली हाइड्रोजन और हीलियम दोनों लाइटेस्ट गैस हैं, प्रेजेंट रहती हैं, और इनके रिएक्शन से ही जो है वो स्टार चमकता है, और इनके रिएक्शन की वजह से ही उसमें हीट होती है। अब क्वेश्चन ये आता है, लाइक सन हमारी अर्थ पे, सन एक स्टार है, ठीक है, सन की हीट हमें महसूस होती है, सन की लाइट हमें महसूस होती है, बट उन सब स्टार्स की क्यों नहीं महसूस होती जो कि हमें रात में दिखाई देते हैं स्काई में। वो इसलिए बच्चों महसूस नहीं होती, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस। वो तारे इस सन से भी कई करोड़ों अरबों मील दूर हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दूर हैं, जिसकी वजह से वो स्टार बिल्कुल छोटे 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 डॉट्स की तरह दिखते हैं चमकते हुए। तो सन बिल्कुल नियरेस्ट स्टार है, अर्थ के बिल्कुल नियरेस्ट है, इस वजह से इसका साइज़ भी हमें बड़ा दिखता है, इसकी हीट भी हमें महसूस होती है, और इसकी लाइट भी हमें मिलती है, और बाकी सारे स्टार्स हमारी अर्थ से बहुत बहुत ज़्यादा दूर हैं। सो द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ ओनली डिस्टेंस। अब नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड डिवीज़न। अब फर्स्ट डिवीज़न में क्या था, वो सेलेस्टियल बॉडीज़ जो कि अब जिनकी अपनी हीट अपनी लाइट होती है। सेकेंड डिवीज़न में क्या है, वो सेलेस्टियल बॉडीज़ आती हैं जिनकी अपनी हीट और अपनी लाइट नहीं होती। अब उनमें हम क्या रखते हैं, उनके एग्जांपल्स प्लैनेट्स। अब जिनकी अपनी हीट और लाइट नहीं है तो वो किसकी हीट और किसकी लाइट से चलते हैं, दैट इज़ वो स्टार की हीट से, स्टार की लाइट से लिट होते हैं। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स। स्टार्स की जो रोशनी होती है उसी से प्लैनेट्स दिखाई देते हैं, और प्लैनेट्स पे उन्हीं स्टार की रोशनी के से आगे फर्दर काम होते हैं। अब जैसे अर्थ इज़ अ प्लैनेट एंड सन इज़ द स्टार, तो अर्थ की अपनी कोई रोशनी नहीं है, अर्थ पे जो रोशनी आती है वो किसकी आती है, स्टार की, जो उसके सबसे नियरेस्ट स्टार है, दैट इज सन। नाउ द अरेंजमेंट ऑफ स्टार्स इन सर्टेन मैनर और अ पैटर्न इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन इज सप्तऋषि और द ग्रुप ऑफ सेवन स्टार्स। बच्चों जब आप रात में कभी स्काई को ऑब्जर्व करो तो वहाँ आपको सप्तऋषि ज़रूर दिखाई देगा, क्योंकि सप्तऋषि की जो
हेड वाली साइड है, एक टेल साइड है और एक हेड साइड है। जो हेड साइड के दो टॉप स्टार्स हैं, अगर उन दोनों तारों को एक साथ एक सीध में देखें तो उसके आगे सिर्फ हमें एक नॉर्थ पोल स्टार दिखाई देता है। हम उन दोनों स्टार से नॉर्थ पोल स्टार को कनेक्ट कर सकते हैं, और नॉर्थ पोल स्टार की अपनी एक फिक्स पोजीशन है, वो कभी नहीं वहाँ से हिलता है। तो पुराने ज़माने में जब लोग इतना हमारा जो आज तो अब कहीं हमें जाना होता है तो हमारे पास स्पेसिफिक रूट्स हैं, हमें पता है, रूट्स की नॉलेज है, और नहीं भी हो तो हमारे पास जो है इंटरनेट फैसिलिटी है, जिससे कि हम लोग अपना जो है गूगल के थ्रू अपना जो रूट को है पता लगा लेते हैं। बट पहले ज़माने में तो ऐसा नहीं था ना, तो जब उनको रात में कहीं ट्रैवल करते करते रात हो जाती थी तो रात में जब उन्हें कहीं देखना होता था कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो वो नॉर्थ स्टार को जो है इमेजिन करते थे कि नॉर्थ डायरेक्शन है तो इसके जो है ऑपोजिट है वो है साउथ डायरेक्शन। तो इस तरीके से वो डायरेक्शन स्काई के स्टार्स को लेकर फर्दर मूव करते थे, डायरेक्शन वहाँ से जज करते थे। सो इन एंशियंट टाइम पीपल यूज टू फाइंड डायरेक्शन ड्यूरिंग नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। नाउ हमारे स्काई में टू मेजर कॉन्स्टिलेशंस दिखाई देते हैं, वन इज उर्सा मेजर, दैट इज सप्तऋषि इज अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर, एंड द अदर वन इज उर्सा माइनर। ना उर्सा मेजर का जो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको आपके स्क्रीन पे आ रहा है, उर्सा मेजर, ये वैसे जो है इसके स्टार्स वैसे हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देता कि ये एक बिग डिपर जो है इमेज है इसकी, या एक बिग बेयर भालू जैसी एक इमेज बनती है। बट अगर इसको अच्छे से देखा जाए थ्रू टेलीस्कोप एंड ऑल दैट मॉडर्न टेक्निक्स, तो ये ऐसा दिखता है जैसे एक बहुत बड़ा भालू हो और उसके बीच में एक बिल्कुल ब्राइट सेवन स्टार्स दिखाई देते हैं, बिकॉज सप्तऋषि इज़ अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर, तो वो सात स्टार भी इसमें दिखते हैं। अब जो टेल स्टार है, जो इसका बॉटम स्टार है और स्टार एट द टेल है, दैट इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार कॉल्ड एलियोथ, और उर्सा माइनर का जो ब्राइटेस्ट स्टार है दैट इज़ पोलरिस। ऑफिशियली देयर आर 88 कॉन्स्टिलेशंस। अभी मैंने आपको दो के बारे में बताया, बट अगर ऑफिशियली देखा जाए तो यहाँ पर हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें 88 कॉन्स्टिलेशन है, यानी कि 88 डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ स्टार्स हैं, अरेंजमेंट ऑफ स्टार्स डिफरेंट पैटर्न्स हैं, और इट इज़ डिक्लेयर्ड बाय इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दैट इज़ IAU, एंड आउट ऑफ दीज 88 कॉन्स्टिलेशंस 12 कॉन्स्टिलेशंस आर कंसिडर्ड एज 12 ज़ोडियक साइन। अब आपको आपकी जैसे जब हमारे यहाँ क्या है इंडिया में, जब कोई बेबी बॉर्न होता है ना तो उसकी राशि पत्रिका बनाई जाती है, तो जो राशि साइन है जो हमारा ज़ोडियक साइन है, तो वो 12 राशियों के मुताबिक 12 ज़ोडियक साइंस हैं, तो वो डिपेंड करते हैं, वो 12 कॉन्स्टिलेशन से लिए गए हैं एक्चुअली, फाइन। और ये मैंने आपके सामने स्क्रीन पे ये इमेज लगाई भी है, लाइक एक्वेरियस, पाइसेस, जो है कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियन, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा एट्सेट्रा। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट प्लैनेट्स, द वर्ड प्लैनेट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ग्रीक्स एंड इट वाज नेम्ड एज प्लैनेटाई। नाउ प्लैनेटाई इन ग्रीक मीन्स वांडरर्स, सो हैंस दीज ऑब्जेक्ट्स वर कंसिडर्ड एज वांडरिंग इन द स्काई व्हेन वी लुक एट। नाउ देयर आर 9 planets in our solar system as per NCERT book, but now with the recent discoveries scientists have updated the data that there are only 8 planets in our solar system, and in order to their distance from the sun they are like their arrangement is like Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and Pluto. प्लूटो अब लिस्ट से बाहर हो चुका है, तो प्लैनेट्स कहाँ तक लिखे जाते हैं, नेपट्यून। बेटा एक बार आप ना अपने जो सब्जेक्ट टीचर है उससे एक बार ज़रूर कंफर्म कर लेना, क्योंकि NCERT की बुक तो अपडेट होके नहीं आई, तो उनसे ये पूछ लेना 8 प्लैनेट्स लिखने हैं कि 9, एज पर हिज और हर चॉइस यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर। बट यू मस्ट नो कि अब 9 प्लैनेट नहीं है, 8 प्लैनेट काउंट होते हैं, वो दैट आई विल गिव यू द रीज़न वाई 9th प्लैनेट इज़ नॉट कंसिडर्ड। Now all the planets of the solar system moves around the sun in a fixed path, and these elongated paths are called orbit.
ऑर्बिट की डेफिनेशन भी 1 मार्क्स में पूछ ली जाती है, तो यू मस्ट नो दिस कि ऑर्बिट क्या है। ऑर्बिट वो पाथ है जिसमें प्लैनेट घूमता है सन के चारों तरफ। तो प्लैनेट्स के जो पाथ है उसको हम ऑर्बिट कहते हैं, एंड दीज पाथ्स आर नॉट द सर्कुलर, दीज आर द इलोंगेटेड पाथ्स। और वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जो कि हम अर्थ का ट्विन मानते हैं उसको, बिकॉज द रीज़न बिहाइंड दैट इज इट्स साइज एंड शेप इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द अर्थ। और मरकुरी जो है इट इज़ नियरेस्ट टू द सन एंड इट टेक्स ओनली 88 डेज टू कम्प्लीट 1 revolution. Now, different planets takes different time period to complete its revolution around the sun. कोई भी दो planet एक time duration में अपना revolution complete नहीं करते, हर planet का अपना time duration है और vary करता है. Now, our planet system is classified into 2 categories. The first one is the terrestrial planet, और इसमें हमारे top 4 planets आते हैं जो, एंड दीज प्लैनेट्स आर मर्कुरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। और ये प्लैनेट्स जो हैं स्मॉल हैं और रॉकी प्लैनेट्स हैं, दैट इज़ वाई दीज प्लैनेट्स आर कैटेगराइज अंडर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। एंड द सेकेंड कैटेगरी इज़ जॉइंट और द जोवियन प्लैनेट। जोवियन मीन्स ह्यूज, जॉइंट प्लैनेट। सो इसकी कैटेगरी में जो हैं हमारे 4 प्लैनेट्स आते हैं। द फर्स्ट दिस जाइंट और जोवियन प्लैनेट कैटेगरी इज फर्दर डिवाइडेड इंटू 2 सब डिवीजन। द फर्स्ट वन इज़ द गैस प्लैनेट, सेकेंड वन इज़ द आइस प्लैनेट। अब गैस प्लैनेट्स आर द जुपिटर एंड सैटर्न, बिकॉज गैस इज प्री डोमिनेंट हेयर, एंड द आइस प्लैनेट्स आर यूरेनस एंड नेपट्यून, बिकॉज आइस इज प्री डोमिनेंट हेयर। सो दीज प्लैनेट्स आर लार्ज एंड हैविंग लो डेंसिटी। Now, Earth is the 3rd closest to the Sun, as we know, but it is 5th largest in mass. Mass मतलब उसका जो size है उसके according, अगर हम सभी planets को size के according, mass के according arrange करेंगे, then Earth is the 5th largest in mass. Now, students, in most of the reference books, including NCERT site, we found that Pluto as a planet. But with the recent discoveries, it has been declared that Pluto is not a planet, rather it is a dwarf planet or a planetoid. बच्चों, अब जैसे एक मार्स और जुपिटर प्लैनेट के ऑर्बिट के बीच में एक बहुत बड़ी एस्टेरॉयड बेल्ट है, सेम उसी तरीके से एक बेल्ट हमारे नेपट्यून से शुरू होती है और इस बेल्ट को हम कहते हैं क्यूपर बेल्ट। और इस बेल्ट को हम आइसिस बेल्ट इसलिए कहते हैं, आइसिस बेल्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी मिलता है ना इस बेल्ट पे, वो सारा आइस के फॉर्म पे मिलता है। अब जैसे मान लो वहाँ पानी है, प्रेजेंट है, तो वो पानी भी किस फॉर्म में होगा, आइस की फॉर्म में। सपोज़ कोई गैस हमारे साइंटिस्ट ढूंढते हैं तो वहाँ पे कोई गैस मिलती है, तो वो भी क्या है, आइस की फॉर्म में मिलती है। तो पहले साइंटिस्ट ये मानते थे कि जितने भी कॉमेट्स निकलते हैं वो इसी क्यूपर बेल्ट से निकलते हैं, लेकिन फिर फर्दर उन्होंने रिसर्च की तो उनको ये पता चला कि ये क्यूपर बेल्ट जो है ये डायनेमिकली स्टेबल जोन है, और किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर वेलोसिटी गेन करनी होती है तो वो डायनेमिकली स्टेबल जोन में नहीं कर सकता, उसके लिए डायनेमिकली अनस्टेबल जोन की ज़रूरत होती है, यानी कि एक्टिव जोन की ज़रूरत होती है। तो ये तो बात उनके दिमाग से निकल ही गई कि यहाँ से कोई कॉमेट भी जो है निकलता है। उन्होंने फर्दर रिसर्च की तो उनको ये पता चला कि क्यूपर बेल्ट जो है ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाने वाली एस्टेरॉयड बेल्ट से बिल्कुल लगभग सेम है। अब इस क्यूपर बेल्ट में जो है, क्यूपर बेल्ट में बेसिकली जो है एस्टेरॉयड्स मिलते हैं और स्मॉल बॉडीज़ मिलती हैं, लेकिन वो सब जो कुछ भी यहाँ मिलेगा वो सब आइस की फॉर्म में मिलेगा। अब नेपट्यून के बाद हमारा एक और प्लैनेट आता है, दैट इज़ प्लूटो, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि प्लूटो को अब प्लैनेट की लिस्ट में से हटा दिया गया है। क्यों? बिकॉज
प्लूटो हैज़ लेफ्ट द ऑर्बिट ऑफ द सन एंड हेंस इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट एनी मोर. अगेन इट इज़ वेरी स्मॉलर इन साइज. एक तो उसका साइज बहुत छोटा है एंड इट इज़ बियॉन्ड द क्यूपर बेल्ट दैट एग्जिस्ट एंड दस इट इज़ कंसिडर्ड एज अ ड्वार्फ प्लैनेट. तो बात अब क्वेश्चन अराइज यहाँ ये होता है कि व्हाट कुड बी कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट. अगर प्लूटो प्लैनेट नहीं है उसको तो किसी भी चीज़ को प्लैनेट मानने के लिए क्या रिक्वायरमेंट, उसकी क्या फीचर होना चाहिए, क्या उसके लिए क्राइटेरिया होना चाहिए. तो साइंटिस्ट और जितने एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने ये डिक्लेयर किया, मिलके एक लेवल बनाया कि कोई भी सेलेस्टियल बॉडी जिसका मास प्लूटो के मास से 27% ज़्यादा होगा दैट बॉडी कैन बी कंसिडर्ड, दैट बॉडी विल बी कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट. तो ये फाइनल हो गया. तो अब ये एक रूल बन गया. फ्यू अदर प्लैनेटॉइड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट लाइक सीरीज एंड इरिस. एंड सीरीज इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इन द एस्टेरॉयड. अब हमने बात की थी मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट प्रेजेंट है, तो वहाँ पर सबसे बड़ा जो एस्टेरॉयड है वो सीरीज है. एंड दिस एस्टेरॉयड इज़ प्रेजेंट बिटवीन द लाइक मार्स एंड जुपिटर इन द बेल्ट ऑफ एस्टेरॉयड. And Ceres is also considered as a dwarf planet. And another important dwarf planet which was considered is Eris. Eris का जो discovery है वो 2003 में हुई थी और उसका नाम भी इसीलिए 2003 UB313 रखा गया. And it is considered as the 10th planet of the largest dwarf planet which is discovered till date. सो अब आपने क्या सीखा कि प्लूटो है, सीरीज है या इरिस है, तो ये क्या हैं, दे आर नॉट प्लैनेट्स, दे आर प्लैनेटॉइड्स, या आप इनको ड्वार्फ प्लैनेट्स कह सकते हैं. ये प्लैनेट्स की कैटेगरी में नहीं आते, ये प्लैनेटॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स की कैटेगरी में. फाइन. अब कुछ और प्लैनेटॉइड्स भी प्रेजेंट हैं हमारे सोलर सिस्टम में जैसे कि सीरीज एंड इरिस. Now, Ceres is the one of the largest object which is found in the asteroids. और asteroids कहाँ पर मिल रहे हैं हमें, वो Mars और Jupiter के बीच में एक बहुत अच्छी खासी बड़ी belt है, asteroid belt, वहाँ मिलते हैं. तो उस asteroid belt का जो सबसे बड़ा object है वो है Ceres, और ये भी एक planetoid है, इसको भी dwarf planet माना गया है. And one more important dwarf planet which was discovered is Eris in 2003. अब 2003 में Eris की discovery होने के बाद इसका नाम भी जो है वो इसी year पे रख दिया गया है, 2003 UB313. और ये Eris जो है planet, it is considered as a 10th planet of the largest dwarf planet. Or you can say it is the 10th largest dwarf planet or planetoid. तो अब हमने total 3 planetoids पढ़ लिए हैं, एक तो Pluto, एक Ceres और एक Eris. तो they are not planets, they are the dwarf planets or you can say planetoids. अब जैसे Kuiper belt हमने पढ़ी है, तो Kuiper belt है, asteroid belt है हमारे पास between Mars and Jupiter. इसी तरीके से एक हमारे क्यूपर बेल्ट से थोड़ा पहले ऑरेट क्लाउड भी है. तो ऑरेट क्लाउड बना हुआ है, वो भी पूरा आइस से बना हुआ है. अगर वहाँ पर कोई गैस है, अमोनिया गैस है, मीथेन गैस है, तो वो भी आइस की फॉर्म में अवेलेबल है. अगर वहाँ पे वाटर अवेलेबल है तो वो भी वाटर की फॉर्म में अवेलेबल है. तो इस तरीके से ये ऑरेट क्लाउड जो है वो हमारे सन, प्लैनेट्स और इंक्लूडिंग दिस क्यूपर बेल्ट, इन सब को इसने कवर किया हुआ है. और ये एक स्फेरिकल शेप्ड क्लाउड है एक तरीके से, जिसने हमारे पूरे सोलर सिस्टम को घेर के रखा हुआ है, ये मान सकते हैं हम. देन कम्स टू द 9th प्लैनेट. इसी जो क्यूपर बेल्ट के बारे में हमने पढ़ा है, तो यहाँ पर हमें प्लैनेट 9
की डिस्कवरी हुई है, और इस प्लैनेट 9 का जो मास है वो अर्थ मास से 10 टाइम्स ज़्यादा है और प्लूटो के मास से 5000 टाइम्स ज़्यादा इस प्लैनेट 9 का मास है। नाउ लेट्स हैव अ लुक टू द वीडियो क्लिप एंड इट विल मेक यू मोर क्लियरर टू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्यूपर बेल्ट एंड द ऑरिट क्लाउड। The solar system we call home has our sun, 8 planets, all their moons, the asteroid belt, and lots of comets. Outside Neptune's orbit is the Kuiper belt, an almost empty ring around the sun that has icy bodies, almost all smaller than Pluto, making slow orbits around the sun. But what's beyond the Kuiper belt? Beyond the fringes of the Kuiper belt is the Oort cloud. Unlike the orbits of the planets and the Kuiper belt, which are pretty flat like a disk, it's a giant spherical shell surrounding the sun, planets, and Kuiper belt objects. Like a big bubble with thick walls around our solar system. It's made of icy pieces of space debris the sizes of mountains and sometimes larger. This is where some comets come from. The Voyager 1 spacecraft took 35 years to leave the sun's magnetic influence. It's traveling 1 million miles each day. At that speed, it will take 300 years to reach the inner layer of the Oort cloud. And then it will take 30,000 to get through it all. Now let's understand some of the important facts about the planets. Ab Mercury hai jo wo bahut nearest hai. It is the nearest planet to the sun. But still, it is not the hottest planet. So, what is the reason behind this? Mercury sun ke bilkul paas hone ke baawajood bhi ye thanda planet hai, ye garam nahi hai. Itna garam nahi hai, jabki isko hottest hona chahiye. The reason behind this is Mercury has no atmosphere. Kyunki jahan atmosphere nahi hoga, wahan pe heat ki trapping nahi hogi. तो यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो यहाँ पे ट्रैपिंग ऑफ हीट भी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ गर्मी नहीं है. देन द वीनस इज़ कंसिडर्ड एज द अर्थ्स ट्विन. दिस वी हैव स्टडीड बिकॉज ऑफ इट्स साइज एंड शेप विच इज़ सिमिलर टू द अर्थ. एंड द थर्ड फैक्टर्स, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिक्लेयर्ड प्लूटो एज अ ड्वार्फ प्लैनेट इन द ईयर 2006 in the month of August. And the next is Jupiter, Saturn and Uranus. They have the rings or the ring belts of small debris or the stones around them, and that can be visible with the help of powerful telescope. Hai ki nahi interesting baat? Agar hum ek acha sa powerful latest technology wala telescope ghar le aaye, to hum ghar baithe baithe Jupiter, Saturn aur Uranus planets ke ring belts ko aasani se dekh sakte hain. Now students, at the end I have added one slide jisme ki maine sare planets ke name likhe hain, unka rotation period likha hai aur revolution period likha hai. Ab rotation kya hai? Agar koi jo planet hai wo apne axis pe ghoom raha hai, that is the rotation. Aur koi planet सन के चारों तरफ घूम रहा है, तो दैट इज़ द रिवोल्यूशन. तो जैसे सपोज मर्कुरी है, तो उसको कितना टाइम लगता है रोटेशन में और कितना टाइम लगता है रिवोल्यूशन में. तो रोटेशन में इसको लगता है लाइक अराउंड 58.6 डेज, और इसका रिवोल्यूशन में लगता है 87.97 डेज, दैट मीन्स 88 डेज. तो इस तरीके से मैंने आपको एक पूरा चार्ट इस स्लाइड में आपको शो किया है, जिससे कि आपको पता चले कि जैसे जैसे प्लैनेट दूर जाते हैं सन से, तो उनका जो रोटेशन पीरियड है क्या वो कम होता है कि ज़्यादा, ये देखना है आपने. और फिर उनका रिवोल्यूशन पीरियड जो है क्या वो कम होता है कि ज़्यादा होता है. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप इसको नोट करिए. मैं आपको बता देती हूँ, रोटेशन कम होता चला जाएगा और जो रेवोल्यूशन है टाइम पीरियड वो बढ़ता चला जाएगा. फाइन,
प्लूटो को इस कैटेगरी में से आप हटा देना, ये थोड़ा पहले का डिस्क्रिप्शन था तो वो मेरे पास अवेलेबल, वो मैंने आपको दे दिया है। अदरवाइज प्लूटो इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट दीज डेज। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज क्लास। बच्चों आपने आज की क्लास में जो भी कुछ सीखा है, अगर हम उसको रिकॉल करें तो बहुत शॉर्ट में हम लोग कर सकते हैं रिकॉल कि हमने सबसे पहले जो है गैलेक्सी को स्टडी किया। सबसे पहले हमने गैलेक्सी स्टडी किया, फिर कॉस्मिक वेब डिस्कस किया, फिर हबल्स क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया, देन हबल क्लासिफिकेशन के 3 ब्रॉड कैटेगरीज़ को समझा, देन सोलर सिस्टम में सेलेस्टियल बॉडी को हमने समझा। सेलेस्टियल बॉडी में फर्दर इसके 2 डिविजन्स हैं, एक तो दोज विच हैव देयर ओन हीट एंड लाइट और दोज विच डज नॉट हैव देयर हीट एंड लाइट, दैट इज स्टार्स इन द प्लैनेट्स। फिर हमने स्टार्स को पढ़ा कि स्टार्स क्या चीज़ होते हैं, उनके वो अपनी हीट और लाइट किस चीज़ से की वजह से है उनकी, बिकॉज ऑफ द गैसेस, और वो गैसेस कौन सी हैं, उनमें क्या रिएक्शंस होते हैं। देन वी स्टडीड अबाउट द कॉन्स्टिलेशन, दैट मीन्स द अरेंजमेंट और द पैटर्न ऑफ द स्टार्स इन अ सर्टेन लाइक सर्टेन पिक्चर सर्टेन मैनर यू कैन से। देन 2 मेजर कॉन्स्टिलेशंस, उर्सा मेजर डिस्कस किया, उर्सा माइनर का देखा हमने कि उसका ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है। देन वी हैव स्टडीड द ऑफिशियली डिक्लेयर्ड कॉन्स्टिलेशन कि 88 हैं, उसमें से 12 कॉन्स्टिलेशन जो हैं दीज आर कंसिडर्ड एज अ 12 जोडियक साइंस। देन वी हैव डिस्कस आफ्टर स्टार्स, वी हैव डिस्कस एंड स्टडीड प्लैनेट्स। प्लैनेट्स में भी फर्दर क्लासिफिकेशन हमने देखी, 2 क्लासीफाई कैटेगरीज में कैसे क्लासीफाई किए गए हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड जाइंट और जोवियन प्लैनेट्स। देन वी डिस्कस अबाउट द क्यूपर बेल्ट एंड फाइनली वी डिस्कस की क्यूपर बेल्ट किसके सिमिलर हो गई, क्योंकि क्यूपर बेल्ट जो है एस्टेरॉयड बेल्ट के जैसी ही मानी गई है, अब फाइनली ये साइंटिस्ट ने डिक्लेयर कर दिया। तो क्या चीज़ ऐसा है, हमने ये भी पढ़ा कि किसी सेलेस्टियल बॉडी को प्लैनेट कब कंसिडर किया जाता है, वो हमने जो है उसका थंब रूल सीखा। देन हमने ड्वार्फ प्लैनेट्स की लिस्ट डिस्कस की, जिसमें कि 3 मेजर ड्वार्फ प्लैनेट सीरीज इरीज एंड प्लूटो। फिर हमने क्यूपर बेल्ट से जो थोड़ा पहले ऑरेट क्लाउड है आता है उसके बारे में डिस्कस किया। देन प्लैनेट 9 जो कि क्यूपर बेल्ट में मिला, उसका मास अर्थ से कितना ज़्यादा है और प्लूटो से कितना ज़्यादा है, ये डिस्कस किया। देन सम ऑफ द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वी हैव डिस्कस इन दिस चैप्टर, एंड फाइनली यू हैव टू गो थ्रू द rotation and the revolution periods of different planets. So in next class we'll start with the earth. Till then, if you have any doubt, any problem, feel free to ask any day, any time. If you have any kind of problem, then you can discuss. If you like this, then please jo bhi aapko pasand aata hai, jo bhi aapki comments hain, मैं वो कमेंट सेक्शन में देखना चाहूँगी। टिल देन स्टे।